तो जय हिंद ओल, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। तो गाइज फाइनली आप सबके लिए वीडियो आ चुकी है आईटीबी पेनमिल ट्रांसपोर्ट के ऊपर। आपको पता है गाइज, अभी आपकी भर्ती निकली हुई है आईटीबी पेनमिल ट्रांसपोर्ट की। और गाइज आपको पता है इसमें आपके हेड कॉन्स्टेबल की पोस्ट है, कैनल मैन की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। 115 पोस्ट आपकी आईटीबी पेनमिल ट्रांसपोर्ट की हैं, 4 पोस्ट आपकी कैनल मैन की हैं और 9 पोस्ट आपकी हेड कॉन्स्टेबल रेसर वेटनरी की हैं। गाइज देखिए, मेल फीमेल दोनों के लिए पोस्ट हैं। बहुत सारा कमेंट आपका आता है कि सर मेरा फिजिकल टेस्ट कहाँ होगा, सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, सो प्लीज़ सर बता दीजिए। तो भाई आपका ये डाउट मैं मतलब इसमें बता दूंगा कि आपका फिजिकल टेस्ट कहाँ पे होगा। नेक्स्ट भाई आपका डाउट आता है कि सर इसमें सर जो हमारा फिजिकल टेस्ट होगा सर वो कब तक होने वाला है। सर अभी सर हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, लेकिन सर फिजिकल टेस्ट हमारा कितने दिन बाद होगा। ठीक है गाइज, देखिए इससे पहले जो भर्ती आई थी उसमें मैं खुद इंक्लूड था, मेरा फिजिकल टेस्ट हुआ था, मैं भाई रिटर्न में रह गया था। ठीक है, मैं कहीं बोल दूं भाई मैं रिटर्न क्वालिफाइड हूँ, मैं मेडिकल में रह गया था, भाई वही बात है यार, हवा हवा में तीर नहीं मारने, मतलब मारने चाहिए, जो आपकी योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है वही बतानी चाहिए। वरना यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं भाई, कोई बोलेगा भाई मैं तो साला CISF क्वालिफाइड हूँ, मैं BSF में हूँ, मतलब बोलने वाले बहुत बोलेंगे भाई, लेकिन वो होते कुछ नहीं है। ठीक है, हवा हवा में तीर मारने वाले होते हैं, सो उन पर ध्यान मत दीजिएगा, अपनी पढ़ाई फोकस कीजिए, अपने टारगेट पे अचीवमेंट कीजिए कि हाँ यार मेरा ये टारगेट है, मुझे इसको अचीव करना है, इसको पाना है, मुझे इसको ये जॉब है मेरी, इसको मुझे लगना है बस। ठीक है गाइस, बात करते हैं आपके कट ऑफ के बारे में। देखिए दोस्तों, कट ऑफ के लिए अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, भाई कट ऑफ आपकी डिपेंड होती है फॉर्म के ऊपर, कितने बंदे फॉर्म अप्लाई करते हैं, कितने बंदे भाई पेपर देने जाते हैं, उसके भी आप पे आपकी कट ऑफ तैयार होती है। लेकिन मैं बात करूँ मोटा मोटा आपको भाई, तो भाई 80 आपको भाई स्कोर करना पड़ेगा, जनरल वालों को 80 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। दोस्त कहीं आप सोच रहे हो कि भाई मैं हवा हवा में तीर मार रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई, मैंने खुद पेपर दिया दोस्तों, आप पिछली कट ऑफ उठा के देख लेना कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, 89 के आसपास कट ऑफ गई थी जनरल की पिछली बार, लेकिन वैकेंसीज कम थी उस टाइम पे, अब की बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी, इतनी कम भी नहीं जाएगी, ये मतलब कि कम जाएगी भाई, 80 आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और भाई आपको पता है फिर OBC SC ST के हिसाब से कट ऑफ आपकी लगेगी, आप 4-4 नंबर आपने कम कर सकते हो अपनी कास्ट के हिसाब से। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सर फिजिकल टेस्ट हमारा कब होगा। तो भाई देखिए, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो अभी, ठीक है, आपको कौन सा महीना चल रहा है, ये अगस्त है। ठीक है, फिर आपका कल से सितंबर, आपका 2 दिन के बाद आपका जो महीना स्टार्ट हो जाएगा सितंबर का हो जाएगा। ठीक है, पूरे सितंबर आपके फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। ठीक है भाई, सितंबर के भाई 3 महीने बाद, 3 या 4 महीने आप मान के चलो दोस्तों, आपका फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपके फिजिकल टेस्ट करवा लिए जाएंगे। गाइस मैं ये नहीं कि भाई मैं अपने आपसे कुछ बात बना रहा हूँ भाई, इससे पहले जो भर्ती आई थी भाई मेरा खुद भी फिजिकल टेस्ट हुआ था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आपको 3-4 महीने का टाइम आराम से मिल जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेनी है, हड़बड़ी नहीं करनी दोस्त, आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी, जो मेहनत करेगा भाई जॉब ले जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फालतू आप टेंशन लोगे सर फिजिकल में सर क्या होता है, सर पेपर में सर क्या आएगा, आप पढ़ोगे नहीं, आप बस सोचते रहोगे हाथ में क्या आएगा। भाई मैं बहुत जल्दी आप सबकी क्लास स्टार्ट करने का, मतलब स्टार्ट आपकी क्लास हो जाएंगी अभी कुछ टाइम बाद, अगर आप चाहते हो भाई मैं आपके लिए स्पेशली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग की, मैथ की, जीके की, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि भाई मैं आपके लिए वीडियो को बना सकूँ, मतलब कि आपकी जो क्लासेस स्टार्ट करवा सकूँ। अगर आप मेरी वीडियो पे लाइक आते हैं, मतलब दबा के मैं सोच जाऊँगा कि हाँ भाई बंदे इंटरेस्टेड हैं, तो भाई मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो भाई पेपर में आता, क्योंकि पेपर मैंने भी दिया भाई, लेवल का मुझे पता है कि कैसे क्या पढ़ाते हैं, कैसा क्या क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक पक्का कीजिएगा, और जो मेरे भाई बंधु फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं, अगर आप भाई चाहते हो भर्ती होना, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक पक्का कीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं आपके भाई फिजिकल टेस्ट और आपके पेपर के बारे में। भाई पेपर का लेवल भाई बहुत ईजी है, इतनी टेंशन आपको नहीं लेनी भाई, आफ्टर जब आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा भाई, उसके कुछ दिन बाद आपका भाई पेपर भी लिया जाएगा। ठीक है, पेपर के लिए आपको टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फिजिकल आपका नवंबर में हुआ, दिसंबर में आपका पेपर आ गया, ऐसा नहीं है भाई, आपको 2 या 3 महीने आराम से मिलेंगे पेपर के लिए भी। लेकिन भाई आपको एग्जाम की तैयारी और फिजिकल तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देने भाई, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अब गाइस बात करते हैं फॉर्म के बारे में। भाई आज आपकी 30 अगस्त है, ठीक है, 30 अगस्त से 29 सितंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। जिन मेरे भाइयों ने 12 अगस्त से पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उनका फॉर्म एक्सेप्टेबल है, 12 अगस्त के बाद वाला भाई आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त से पहले वालों को भाई फॉर्म अप्लाई नहीं करना दोबारा से, अगर आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है, लेकिन 12 अगस्त से बाद वालों को भाई आपको फॉर्म दोबारा फिलअप करना है। 30 अगस्त है आज भाई, आपके जो फॉर्म आज स्टार्ट हो चुके हैं भाई, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप सबके लिए, कि मेरे भाइयों को कुछ दिक्कत परेशानी ना हो। आपको भाई फॉर्म अप्लाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ये चैनल आपका है, आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा भाई, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।